से एकदम इंजॉय लेते हैं। इन लोगों ने तो बैठा हुआ है आराम से, आइए सब कुछ पार हो जाता है। देखो भाई तरबूजा क्या लाल दिख रहा है, मजा आ गया। हेलो गाइस, होप आप सभी बढ़िया हो और बढ़िया ही रहो। तो आज जैसे कि मैं दिखाऊंगा अभी बैकग्राउंड आपको, और आज जो हम लोग मतलब मैं फर्स्ट टाइम मैं बिहार को विज़िट किया था, आजमनगर को, और यहाँ पर आया तो थोड़ा तो यहाँ का मैं थोड़ा ब्लॉग शूट करता हूँ। यहाँ का जो बहुत फेमस ये जो इलाका है, पहले अब मैं व्यू देता हूँ, एक बार व्यू देखो आप, बैकग्राउंड देखो आप लोग। मतलब डायरेक्ट हम लोग मेन डेस्टिनेशन में आके ब्लॉग को स्टार्ट किया। और राघव जो है यहाँ का मतलब कि बहुत ही अच्छा तरह से जानता है, यहीं पर रहते हो तो ये इसके बारे में थोड़ा सा बता दो। इसके बारे में हम ये बताना चाहेंगे, ये जो है नदी जो है दिख रहा है, ये आजमनगर कटिहार बिहार का है, ठीक है। हाँ। तो ये नदी महानंदा नदी के नाम से जाना जाता है और हम लोग इसे प्यार से बोलते हैं गंगा नदी। हाँ। जो कि बहुत अच्छा है और यहाँ बहुत सारे पर्व भी मनाया जाता है, जैसे छठ पूजा हुआ। हाँ। और भी कई तरह के पर्व मनाया जाता है। हाँ। और ये जो नाव से जो बोट पार होता है ये सब, हाँ ये भी बोट पार होता है, मतलब वो साइड में है। तो अभी जो है उधर कैमरा दिखाइए, ये देखिए जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। हाँ। सब जो दिख रहा है आप लोगों को, तो ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। स्टार्ट इसलिए नहीं हुआ कि अभी सवारी होगा तब जो है आगे उसको लेके जाएगा, मतलब उस पार हमको जाना पड़ेगा। अच्छा, तो उसी का भी हम लोग वेट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो लिया जाता है इसमें एक्स्ट्रा पैसा वैसा कुछ एक्स्ट्रा चार्ज वो सब बताओ। हाँ, 10 रुपया लेता ही है पड़ेगा आदमी का, सस्ता ही है कोई। हाँ 10 रुपया, क्योंकि उसका भी तेल वगैरह जलता है, उसका भी मेहनत है, तो वो तो लेगा ही। और धूप भी कितना है आज जो है ना, हम कल तो मैं सिलीगुड़ी के लिए निकल रहा हूँ, तो आज सोचा एक ब्लॉग लास्ट ब्लॉग जो बढ़िया सा प्लेस में डाल देता हूँ। तो राघव जो यहाँ पर लाया ये प्लेस में, और मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। धूप है आज के दिन में, बट बैकग्राउंड लुक्स वेरी नाइस यार। और हमारे साथ राघव को तो इंट्रोड्यूस कराई दिया, और अमित भाई ये देखिए कोना में बैठा हुआ था, गर्मी लग रहा है ऐसा ही। हाँ एक्चुअली गाइस, तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ, एक्चुअली मैं आया हूँ यहाँ पर बोट पे विजिट भी किया हूँ, पर ये जो बंदा है जो ब्लॉग है उसका चैनल है, वो फर्स्ट टाइम है, तो उसको हम लोग घुमाने ले आए हैं। इसी में यहाँ तो आज अभी जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। हाँ। तो ब्लॉग पे बने रहिए। और तो ये देखो गाइस, तुम लोग कुछ बोलना चाहोगे? कोई बात नहीं, सब अपना ही फ्रेंड, सब ये आजमगढ़ का ही, अच्छा यहाँ की वासी, यहाँ की निवासी। हाँ, तो गाइस हम यहाँ पर कुछ बैक से कुछ सिनेमैटिक शॉट कैप्चर करते हैं, वो देखिए, मजा लीजिए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं गाइस कुछ देर ना। अभी बोट में चढ़ने जा रहे हैं और अभी बोट का मजा लेंगे। आप लोग एकदम बैक कैमरा से व्यू लीजिएगा, बोट का एकदम मस्त से हम सीन दिखाएंगे आप लोगों को। और बाकी तो सब कुछ आज राघव ही दिखा रहा है, आप लोग को घुमा रहा है, तो राघव को मेरी तरफ से थैंक्स। राघव कुछ बोलना चाहोगे? वेलकम आपको भी, जो कि मेरा बिहार में आए हैं, आजमगढ़ बिहार में, और घूमने के लिए हमें भी खुशी हुआ, और आप लोगों को घुमाने में हमको बहुत अच्छा लगेगा और खुशी भी मिलेगा कि चलो मेहमान नवाजी का एक फायदा तो कम से मिल जाएगा, मौका मिलेगा। हाँ, और वैसे ये देख सकते हो जैसे कि बोट पूरा फूल होता है फिर भी छोड़ता है, यहाँ पूरा फूल होता है फिर तभी छोड़ता है यहाँ। हाँ, मतलब देख के मतलब कोई बोट छोड़ रहा है क्या? स्टार्ट हो चुका है बीच में आने दो। यहाँ पर जो बाइक लेके आप लोग आ सकते हो, आइए सब कुछ पार हो जाता है। तू फाड़ लेना, मैं तो पहले उतर गया, मतलब जा रहा है नहीं, खजाना मेरे हाथ में लग गया ना, इसलिए पहले भागने का कगार में हूँ मैं। हम लोग फाइनली ये जो अभी बोट से नीचे उतरे और काफी बढ़िया एक्सपीरियंस था, मजा आ गया। तो और धूप देख सकते हो गाइस, इतना ज्यादा धूप है ना, फिर भी आज लास्ट दिन है, कल तो निकलना था, तो आज एक ब्लॉग बना देते, इसलिए हम लोग आज में निकले। और जितना भी धूप हो कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हमारे साथ राघव है, इसलिए कोई नहीं रोक सकता हम लोग ब्लॉग बनाने। और अभी अभी राघव ये पार्क किया, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी पार हो कि यहाँ ये जगह का नाम दीरा कहा जाता है। हाँ। जहाँ की तरबूज वगैरह लगा हुआ है। हाँ। तरबूज भी अच्छा, है और मस्कमेलन जो इंग्लिश में बोलता है। हाँ हाँ हाँ। और खरबूजा, हाँ, फुटबांगी, ऐसे अपना अपना भाषा में हम लोग बोलते हैं। खीरा भी लगा हुआ है। हाँ। तो वो खेती में जा रहे हैं। हाँ, हो सके तो उनसे खरीद के भी खा देंगे, और नहीं मिला तो ऐसे लेके खा देंगे, तो तुम्हें कोई रोक नहीं मिला नहीं है। तो यहाँ पर जो मेन था हम लोग को, यहाँ इतना ज़्यादा गर्मी में तरबूज आज खाएंगे, तरबूज के लिए आए हैं। चलिए देखते आगे, वहाँ पहुँचेंगे तो आप लोगों को ब्लॉग दिखाएंगे, तब तक बने रहिए ब्लॉग में। ये यहाँ पर अभी आधा रास्ता कवर किया और तरबूज के लिए अभी तक उन लोग जाते हुए। फिलहाल देखिए बहुत ही मस्त नज़ारा है, और जो यहाँ पर देखने को मिला इधर पक्षी का एकदम देख सकते हैं, जैसे परेड जैसा सब खड़ा हुआ है मछली खाने के लिए। ये भी एक अजीब ही था, मतलब अनोखा दृश्य था ये मेरे लिए, मज़ा आ गया देख के। और चलते रहो, मेरा तो यहाँ से एकदम गर्मी से पसीना पसीना हो गया। हाँ, तो फाइनली हम लोग को यहाँ पर तरबूजा मिला। राघव अब यहाँ पर लोकल से बात किया हुआ है, और राघव क्या बोला, कैसे किस तरह का रेट है, क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है? यहाँ तरबूज के बारे में पूछे तो बोला कि यहाँ 20 रुपया kg बता रहा है। हाँ, और मार्केट में क्या प्राइस मिल रहा है? मार्केट में तो 45 रुपया बता रहा है, कोई 60 रुपया भी बता रहा है, सबका अलग अलग रेटिंग। ऐसे फ्रेश मिलेगा मार्केट में? ऐसे तो वहाँ 2 दिन 3 दिन का ही मिलता है, यहाँ फ्रेश नहीं, यहाँ तो ताज़ा ताज़ा तोड़ के ही मिलेगा, जो अभी पौधे से तोड़ के ही देने वाले हैं। तो अभी जो तरबूज आएगा ना गाइस, तो हम लोग दिखाएंगे आपको, एकदम फ्रेश रहेगा, मज़ा आ जाएगा खा के। और राघव यहाँ चाकू भी आज लेके आया है, तो देखते हैं चाकू काटेंगे तरबूज का, आज मर्डर होगा और दिखाएंगे किस तरह का फ्रेश होता है और मजा आएगा खाने में। जैसे चाय का बात बोला, ऐसा लगा कि हम किसी का मर्डर कर रहे हैं, लेकिन नहीं, तरबूज अच्छा हुआ कि तरबूज का बात बोल दिए, तो हम पूरी तरह से फंस जाते हैं। और अमित भाई इतना शांत क्यों हो तुम? किसी का मर्डर करूंगा मैं, गर्मी से पक जाऊंगा। मेरा ही कर वो गेम खेलते हैं, चलो तरबूज लाएगा आग में पट्टी बनेगा। ए सुन सुन इधर बेटे बात सुन। और इन लोग देखिएगा किस तरह से ऐसे यहाँ पर रहता है करने का, मेरा अच्छा इतना गर्मी में। और व्यू देखिए, मतलब गजब का व्यू है, मजा आ गया ये लोकेशन को कवर करके। तो गाइस देख सकते हो राघव फाइनली तरबूज खरीद के लाया है, तो ही महंगा है ये 3 किलो लिए हम, एकदम फ्रेश है। हाँ, और ये फ्रेश भी है, देखो अभी ये एकदम से तोड़ा गया है। ये मार्केट में अगर खरीदते तो ज़्यादा ही रेट पड़ता है, तो यहाँ सस्ता में मिल गया, क्योंकि यहाँ पर यहीं से तो ले जाते हैं सदमा। हाँ, एक ही बार ज़्यादा करके ले जाते हो बेचते, वो लोग भी मेहनत का चार्ज ले ही लेते हैं। चलो कहीं आराम से बैठते हैं, मर्डर करने का सीन होगा, मीठा होगा, मन शांति हो जाएगा। हम लोग बैठ चुके हैं और राघव को देखो। राघव क्या है ये अभी दिखाते हैं। हाँ दिखा दो ऑडियंस को, क्या बोल रहा है हम लोग बोल रहे हैं। ये देखिए गाइस, एकदम जो मर्डर करने में, ये मर्डर करने वाला चाकू है, देखते हैं मूवी जो कि किसी का मर्डर नहीं हुआ यहाँ, दोनों का किसी का नहीं, ना मेरा इसका होने वाला है। चलो देखो, देखते हैं तरबूजा का। पूरा नहीं कटा है क्योंकि हमको काटने में परेशानी हो रहा है, मैंने कभी काटा नहीं। क्या बात कर रहे हो, यहाँ रहते हैं और ये काटे नहीं, ये तो तरबूज काटे में क्या, ये कैसे निकाला जाता है? उसे निकालते हैं। क्यों मेरे को कलर अभी बाहर थोड़ा सा टेक्सचर आया, मुझे लगा फीका वाला है। हाँ मुझको भी वही फील आया, लाल नहीं लग रहा है, लाल तो। वाह मजा आ गया, मजा आ गया। अब तो हमला करेंगे, खाइए थोड़ा सा। मैं लेंस को जो पहले टेस्ट में करूंगा यार। गाइस देख सकते हो, मतलब मजा आ गया, लग ही नहीं रहा था मुझको, एकदम फील आ गया था कि ये कच्चा है, बट मजा आ गया। मैं रिव्यू बताऊंगा और अब मैं टेस्ट करके आप लोगों को रिव्यू देता हूँ। मतलब हम लोग फर्स्ट चाकू का जो महिला था ना, उसमें गया। वाह बढ़िया है, टेस्ट मीठा भी है, मज़ा आ गया, एकदम फ्रेश मज़ा आ गया। और अभी अमित खाएंगे, फिर राघव भी खाएंगे, उनका भी रिव्यू देख लेना। अब देखो एक स्लाइस मैं टेस्ट करने वाला हूँ। स्लाइस एक्चुअली ये हम लोग फर्स्ट टाइम, आई थिंक मैंने फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में, आप लोग भी कभी मतलब अभी जस्ट तोड़े और बाइट किए और बाइट ले रहे। बस अब अमित कैसा लगा खा के ये बता दो आप। तरबूज ना और धूप से हम लोग ले गए, गरम गरम है, गरम ठंडा का मिक्सचर है, मजा आ रहा है। मजा है, फ्रेश चीज खाने में तो मजा आएगा। देखो गाइस तरबूजा क्या लाल दिख रहा है, मजा आ गया। हाँ तो गाइस आज का जो राघव ने एक्सप्लोर जो कराया ना, ये जो ये जगह का क्या नाम था? ये आजमनगर दीरा है, जो कि दीरा का नाम से जाना जाता है। हाँ, ये जो जगह है काफ़ी बढ़िया लगा, घूम के एकदम मज़ा आ गया। और फिलहाल के लिए अभी हम लोग ना जैसे आए थे उसी तरह से सेम चले जाएंगे, तो इसलिए जाने का वीडियो नहीं लिए। बाकी आप लोगों को अगर अच्छा लगा, तरबूज खा के एकदम फ्रेश हो गए हम लोग, माइंड भी एकदम फ्रेश हो गया। अभी निकलेंगे, बहुत गर्मी है, इसलिए फिलहाल के लिए अभी ब्लॉग को दी करेंगे तब। और मेरा भी एक चैनल है देसी बॉय राघव नाम से, जो कि हम 2 महीने से वीडियो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो इसके बाद हम बनाएंगे। उसमें भी गाँव का काफ़ी सारे ब्लॉग बने हुए हैं, तो ये जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा लिंक इसका। तो ये रमेश भाई आप लोगों को वो वीडियो दिखा देगा गाँव का। और अमित भाई आ जाओ, क्या बोलना चाहोगे? तो होपफुली गाइस आप लोगों को ब्लॉग में मज़ा आया होगा काफ़ी, क्योंकि हम लोग ऐसे जगह में आए हैं जो मज़ा है मतलब, पर धूप के कारण ना तो यहाँ थोड़ा रहना पॉसिबल है, छाया में तरबूज खा लोग वीडियो में देखे होंगे। तो अभी निकल रहे हैं, इसलिए फिर जैसे हम लोग पोर्ट से आए थे, पोर्ट में अभी जाएंगे, तो आप लोग ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। काफ़ी मज़ा आया, तो हम लोग ऐसे जगह पे आके व्लॉग बनाए गांव में आके, क्योंकि हम लोग कल निकले जाएंगे। तो व्लॉग पे मजा आए तो एक लाइक जरूर होगी और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है देसी बॉय राघव का, उसका भी चैनल विजिट करें बिहार का ब्लॉग्स देखने के लिए। बाकी गाइज मिलते हैं, इट स्लीप एंड रिपीट, साइनिंग आउट, टेक केयर।